हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और ये जो टॉपिक है बीएससी और एमएससी दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो भी। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, एग्जाम में हमेशा आते रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और वैसे तो मैं सभी क्वेश्चन IIMP करवाती हूँ आपको। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है जो आपको एग्जाम के तौर पर इंपॉर्टेंट ना हो। मैं ऐसे ही टॉपिक करवाती हूँ जो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोस देखना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे जो टॉपिक है दिए गए हैं। ठीक है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, पहले हम लोकलाइज केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। वे कोवेलेंट बॉन्ड जिनकी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच फिक्सेड होते हैं और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है, वह बॉन्ड लोकलाइज बॉन्ड कहलाता है। इसमें कह रहा है कि जो जिनके इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में होते हैं, जो दोनों एटम होते हैं दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं और एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है या एनर्जी लगभग समान होती है, तो क्या होता है, वो लोकलाइज्ड बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है ये इस तरह से। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है वो लगभग समान है। ठीक है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के बीच में फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, लोकलाइज बॉन्ड का एग्जांपल है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि अगर सिग्मा बॉन्ड एग्जांपल है लोकलाइज बॉन्ड का। ठीक है, अब डीलोकलाइज बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं हम। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है वे कोवेलेंट बॉन्ड जिनके दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच फिक्स न होकर पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड होते हैं, जैसे बेंजीन। सिग्मा बॉन्ड का एग्जाम्पल आपको लिखना है लोकलाइज में, और बेंजीन का लिखना है आपको डीलोकलाइज में। इसमें जो होता है डीलोकलाइज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब कि फिक्स नहीं होते और चारों ओर फैले रहते हैं। ठीक है, तो इससे बेंजीन। ठीक है, काफ़ी इजी है, आपको अच्छे से अगर आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ आपको, सिग्मा बॉन्ड का एग्जाम्पल आपको लिखना है लोकलाइज बॉन्डिंग में। ठीक है, क्योंकि वो लोकलाइज होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिक्स होते तो लोकलाइज होते हैं। ठीक है, इसलिए सिग्मा, और डीलोकलाइज यानी फिक्स नहीं होते। ठीक है, फिक्स ना होकर किधर उधर होते, इसलिए क्या होगा, बेंजीन होगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे आज ऐसे फिक्स नहीं होंगे, ऐसे जो फिक्स है ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, ये चारों ओर कहीं पर भी हो सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, फिर क्या कह रहा है, सिग्मा बॉन्ड जनरली लोकलाइज होता है जबकि पाई बॉन्ड लोकलाइज अथवा डीलोकलाइज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एथिलीन। ठीक है, तो इसका एथिलीन एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें पाई बॉन्ड लोकलाइज है एवं साथ में इसमें सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज है एवं साथ में पाई बॉन्ड भी लोकलाइज है, क्योंकि कार्बन से कोई ग्रुप नहीं जुड़ा। ठीक है, जब पाई बॉन्ड किसी अन्य पाई बॉन्ड या किसी लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, अर्थात कंजुगेशन में होता है, तब पाई बॉन्ड जनरली डीलोकलाइज होता है। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड कब डीलोकलाइज होगा, जब कि किसी लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से होगा, तब ये डीलोकलाइज होगा पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दिया गया है इस तरह से। तो ये आगे क्या कह रहा है, इसे पाई के बाद सिग्मा बॉन्ड एकांतर क्रम में अर्थात कंजुगेशन में है, इसलिए ये डीलोकलाइज बॉन्ड है। तो जैसे कि देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, इसमें पाई बॉन्ड है, फिर इसमें सिग्मा है, फिर पाई है, तो इसलिए ये क्या है, एकांतर में है। ठीक है एकांतर क्रम से है, पहले पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, इस तरह से होता है। ठीक है, जो डीलोकलाइज जो बॉन्ड होता है ये जो होता है, ये इस तरह से जो हमारा बेंजीन होता है ये डीलोकलाइज इसलिए होता है क्योंकि इसमें पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, इस तरह से होता है, इसलिए हमें ये डीलोकलाइज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसलिए अच्छा समझ में आ गया होगा ये क्या कह रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा मिलते रहे आपको। कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर कोई आपको नोट्स चाहिए किसी और टॉपिक का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।